नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में बस आज की रात है, कल से ऐसा बवाल छिड़ने वाला है कि पाकिस्तान का नक्शा भी बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रावलपिंडी जेल में बंद इमरान खान ने अपने समर्थकों के नाम फरमान निकाल दिया है और फरमान आर पार का है। उधर इमरान के दुश्मन नंबर वन पाकिस्तानी फौज भी तैयार है। फौज ने अदालतों के आदेश को ताक पर रख दिया है और इमरान को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इमरान अब क्या करेंगे और अगर इमरान कुछ करेंगे तो फिर फौज क्या करेगी? क्या पाकिस्तान खुद अपनी लगाई आग में जल जाएगा? पहली तीली कौन मारेगा? सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। नौ मई 2023 को पाकिस्तान में जो आगाज हुआ था, क्या उसके अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ गया? इनकी कोशिश यही है कि शाहिद खान घबरा जाएगा, कम्प्रोमाइज कर जाएगा, किसी पॉइंट पे रुक जाएगा। हम उनके बाप क्यों कर रहे हैं कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे, करके दिखाएं। फौज बोली इमरान खान है गद्दार, यानी अब की बार पाकिस्तान में आर पार। जब इजरायली शहरी, भारतीय शहरी वो पैसे भिजवा रहे हैं तो फिर वो किस नियत से भिजवा रहे हैं? और आप लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है तो वो तो पीटीआई है, हमारे पास स्ट्रीट पावर है। इस वक्त पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। ये आपको जो भी करेंगे डराने की, धमकाने की और ये प्रोपेगेंडा करने की, आपको समझना चाहिए हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह चलते रहना है। बस आज का दिन बाकी है। मुहर्रम के बाद से पाकिस्तान में जो होने वाला है वो साफ साफ दिखाई देने लगा है। जेल से इमरान का पैगाम आ चुका है। इमरान खान ने अपने समर्थकों को मुहर्रम तक रुकने को कहा है। मुहर्रम के बाद समर्थकों को सड़क पर उतरने का हुक्म जारी हो चुका है। समर्थकों का एक ही टारगेट है, वो है इमरान खान की रिहाई, यानी इमरान समर्थक एक बार फिर फौज से भिड़ने को तैयार हैं। आवाम के साथ, जमहूर के साथ, आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है, इसलिए जो भी अल्पास कहे गए हैं हमने उनको बड़ा सीरियसली लिया है। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी, वो 180 सीटें जो हम जीत चुके थे उससे तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही हैं और ऐसे बयान दे रही हैं। ये तो तय है कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को इतनी आसानी से रिहा नहीं करेगी। अदालतें भी रिहाई का आदेश दे देकर थक हार चुकी हैं, लेकिन फौजी डंडे के आगे उनके ऑर्डर भी पानी मांग रहे हैं। लेकिन इमरान के समर्थक आज भी वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई 2023 को पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी थी और आज भी इमरान की एक कॉल पर कुछ भी करने को तैयार हैं। इमरान खान की जीत हुई, इमरान खान के नज़रिए की जीत हुई है। पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी और इंशाल्लाह आगे भी आने वाले सालों तक रूल करती रहेगी। इमरान खान का नज़रिया जीत चुका है। बड़ी कोशिश की गई मेरी पार्टी को भी ख़त्म करने की, मेरे लीडर को भी, नज़रिए को भी, लेकिन ना मेरा लीडर ख़त्म हुआ, मेरा लीडर डटा रहा। पूरा पाकिस्तान अब इमरान खान के साथ ही एक ही आवाज़ बोलता है कि रिहा करो, रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। हमारा असल मैंडेट है इमरान खान की रिहाई, बुशा बीबी की रिहाई। आशूरा के बाद आपको मुल्क के अंदर तमाम लोग इमरान खान की रिहाई के लिए अभी भी बात करते हैं, लेकिन आशूरा के बाद हमारी तहरीक जोर पकड़ेगी। आप लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है तो वो तो पीटीआई है, हमारे पास स्ट्रीट पावर है। इमरान को रोकने के लिए फौज ने संविधान के आर्टिकल 6 वाला चाबुक चलाया है। पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 6 देशद्रोह से संबंधित है। इमरान खान को देशद्रोही साबित करने की तैयारी है। इमरान पर देशद्रोह के मुकदमे का ऐलान 22 जुलाई को होगा। 9 मई 2023 के हमले और विदेशी फंडिंग जैसे आरोप इमरान पर लगाए जाएंगे।
हमारा एक स्ट्रॉन्ग केस है पीटीआई को बैन करने के लिए, और अब किस चीज का इंतजार है कि ये पूरे पाकिस्तान को आग लगा दें तब जाके कोई एक्शन लिया जाए। अब इस बात से मैं क्या समझूं कि जब इजरायली शहरी, भारतीय शहरी, अमेरिका में बहुत सारे लोग जो भारतीय नजाद हैं वो पैसे भिजवा रहे हैं, तो फिर वो किस नियत से भिजवा रहे हैं और तरीके इंसाफ को क्यों फंड कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि आप फॉरेन फंडिंग भी लें, आप 9 मई के हमले भी करें, आप दहशत गर्दों को भी पाकिस्तान में बुलाकर आबाद करें, आप IMF की डील को भी सैबोटाज करें, आप अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास करवाएं, और उसके बाद आप कहें कि जी हम कोई गुलाम है भी ठीक था। अगर इमरान पर देशद्रोह का केस चलाया जाता है तो इसका अंजाम क्या होगा? या तो केस खारिज हो जाएगा और इमरान रिहा हो जाएंगे, या फिर आरोप साबित कर दिए गए तो इमरान को उम्र कैद हो सकती है। एक सूरत ये भी है, आरोप साबित होने की स्थिति में भुट्टो की तरह इमरान को फांसी दी जा सकती है। ये तीनों स्थितियां पाकिस्तान के लिए विस्फोटक होंगी और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर, पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स केओस। केओस तो अभी भी है, लेकिन क्या केओस से आगे जो डिजास्टर है उस तरफ बढ़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है? पाकिस्तान की दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने मिलियंस ऑफ वोट्स लिए, अगर उसको बैन किया जाएगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा? 22 जुलाई को ये फैसला किया जाएगा और ये ऐलान किया जाएगा कि PTI पर पाबंदी लगाई जा रही है, इमरान खान की पार्टी को बैन किया जा रहा है। इमरान खान और बेगम उनकी खुद जेल में हैं, उनके ऊपर फिर इमरान खान के ऊपर 10 दिन का रिमांड ले लिया गया है, जो अदालत के फैसले उनके हक में आ रहे हैं उनको नहीं माना जा रहा। इस सब के बाद अब होर तुसी की करना है, यानी अब आपने और कौन सा गद्दारी का मुकदमा चला के क्या करना है? फांसी लगानी है। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ अभी से प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई है। इमरान ने मुहर्रम तक इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन उनके बैनर और झंडे लेकर लोग अभी से सड़कों पर उतर पड़े हैं। झंडों की जगह हाथों में डंडे और पेट्रोल बम आते देर नहीं लगेगी। आपका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब बस थोड़े दिन में रहा होने वाले हैं, लेकिन जो बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका ये ख्याल था कि आपकी ओपिनियन जो है वो ठीक नहीं है, आप हुकूमत को बहुत लाइटली ले रहे हैं। इमरान खान साहब न सिर्फ रहा नहीं हुए, उन पर बहुत से मुकदमे कायम हो गए हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला हो गया। आपकी असेसमेंट जो है वो इतनी गलत क्यों थी? बात दरअसल ये है कि इनकी कोशिश यही है कि शाहिद खान घबरा जाएगा, कम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, किसी पॉइंट पे रुक जाएगा। वो 27 साल से स्ट्रगल करके चला आ रहा है और वो कहते चले आ रहे हैं कि मैं पावर शेयरिंग की सियासत नहीं करता, पब्लिक पॉलिटिक्स करता हूँ, आखिरी बाल तक खेलूँगा, मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन जीऊँगा तो कड़े होकर जीऊँगा। इमरान को रोकने के लिए फौज ने क्या क्या नहीं किया? इमरान को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया, इमरान को प्रचार के लिए भी जेल से छूट नहीं दी गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया गया, इमरान के सारे उम्मीदवार निर्दलियों की तरह लड़े, चुनाव में खुलेआम धांधली की गई, 2 दिनों तक नतीजे रोके गए, इसके बावजूद फौज अपने चहेते शरीफों को स्पष्ट बहुमत नहीं दिलवा पाई। ये 2-3-4 चोर खानदान जो पाकिस्तान पे विराजमान है पिछले 40-46 साल से, अगले 40-46 साल ही हमारे सर पे बैठे रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जनरल बाजवा और ये सारे चोर, ये इकट्ठे हो गए क्योंकि बाइडन का ऑर्डर था। भाई बाइडन खुदा है कि खुदा खुदा है? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बल्ला छीन लिया, हमारे कागज छीन लिए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन लिए, और क्या छीनना है? जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफी दे देंगे। हम उनके बाप के नाम कर रहे हैं कि हमें माफिया देंगे? किस चीज की माफी? $1 अरब के लिए हमारी नाम जमीन पे रगड़वा दी है और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे? करके दिखाएं। इमरान खान का सीधा झगड़ा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से है। PM रहते हुए इमरान ने आसिम मुनीर को ISI चीफ की पोस्ट से हटाया था, जिसका अब वो गिन गिन कर बदला ले रहे हैं।
इमरान भी आर्मी चीफ को खुल्लम खुल्ला अपने साथ हो रही ज्यादती का जिम्मेदार बताते रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर से खुद की हत्या का डर भी जता चुके हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस थे, वो सब के सब घटिया केसेस डिमोलिश हो चुके हैं। सबसे घटिया केस आपका इद्दत केस डिमोलिश हो गया। आजम खान स्वाति साहब और मैं, हम लोग 3.5 घंटे अड्याला जेल के सामने खड़े रहे। वहां पे नैब का एक डायरेक्टर ने आके एक दूसरे झूठे केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया और वजीर आजम इमरान खान साहब को भी, कि हमारे पीटीआई के वर्कर्स आप पुरजोश रहे, पुरमन रहे, जीत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। 9 मई 2023 को इमरान खान को कुछ इस तरह कोर्ट कैंपस से घसीटकर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से इमरान खान और उनके समर्थकों पर नकेल कसने में पाकिस्तानी फौज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि इमरान के समर्थक माने जाने वाले पूर्व फौजियों को भी रियायत नहीं मिली, उन्हें भी पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूंसा गया। जो मेरे ही हाथों में पदे, जिनको परवान चढ़ाया, जिनकी ट्रेनिंग दी, जो मेरे पास सेकंड लेफ्टिनेंट आया और आज कोर कमांडर बैठा हुआ है, उनको ये ख्याल ना आया कि अपने वालिद की जगह पे जिसको वो देखते थे उसको उन्होंने उठा के अंदर बंद किया। शर्म आनी चाहिए थी। और आज हम इतना पीछे रह गए बाकी दुनिया से, वो अपने करतूतों की वजह से। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान के नुकता निगाह से एक बहुत ही पावरफुल ओहदा है और उसका एक अपना नशा है, वो छोड़ने को जी नहीं चाहता। इमरान खान की सियासत भी अजीब है। वो अपनी सरकार गिराने का जिम्मेदार अमेरिका को बताते हैं, लेकिन अपनी फौज से जान बचाने के लिए भी अमेरिका से ही गुहार लगाते हैं। चंद रोज पहले पाकिस्तानी अमेरिकी लॉबी की मदद से अमेरिकी संसद में पाकिस्तानी चुनाव में धांधली के खिलाफ प्रस्ताव पास कराया गया और अब इमरान की पार्टी पर बैन के खिलाफ भी अमेरिकी दरबार में ही फरियाद की जा रही है। The Pakistani government has announced a ban on former Prime Minister Imran Khan's political party, Pakistan Tehreek Insaf. The information minister says that Imran Khan and his political party involved in anti-state activities. You always talk about democratic values. What are your thoughts when you see such kind of undemocratic moves in a country like Pakistan? The reports and the statements made by the government, our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. Of course, we abhor political violence in any country, including Pakistan, and have spoke out against it and condemned it. And we support the rule of law in Pakistan and every country in the world, and we want to see respect for democratic principles. कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान अपनी तुलना शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान की तुलना बांग्लादेश से करते हैं। उनके जेल जाने के बाद से उनके समर्थक भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। संदेश एकदम साफ है कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अभी कहती हूँ, इमरान खान को पामाल करना पाकिस्तान को पामाल करने के मुतरादिफ है। जो उस आदमी पे हाथ उठाएगा वो पाकिस्तान पे हाथ उठाएगा, याद रखें। वो वाहिद इस वक्त अलामत है पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बका की। वो जब निकलेगा सड़क, फिर आप देखेंगे, जब जनरल मुशर्रफ नहीं टिक पाया तो ये चोर क्या टिक पाएंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं कफन सर पे बांध के कि वो और किसी से नहीं डरता। जंग इमरान खान की नहीं है, जंग पाकिस्तान की है। जब तबाही होगी केपी में, बलोचिस्तान में, सिंध, एजे के, जनूबी पंजाब, तो ये तबाही पाकिस्तान की है कि बाइडन की है? हम क्यों बाइडन के हुक्म माने? उसने बोला था खान को हटाओ, हटा तो लिया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का आपने नतीजा देखा, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ डूब रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी फौज पर है। 76 सालों से पाकिस्तान पर एक छत्र राज करने वाली फौज क्या इमरान खान के आगे हार चुकी है? पाकिस्तान की हर एजेंसी, हर अदालत को इशारों पर नचाने वाली फौज इमरान की रिहाई के आदेश को रोक क्यों नहीं पाई? क्या अदालतों ने भी बगावत करके इमरान का खेमा पकड़ लिया है? Nothing is working for Asim Munir and his military led establishment. बल्कि मैं कहूंगा his military led government कुछ नहीं काम कर रहा। दो साल, सवा दो साल से फ्लॉप शो पे फ्लॉप शो बना जा रहा है और इसलिए आज इन्होंने अनाउंस किया है
के पीटीआई पे बैन लगाया। चक्कर ये है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला नहीं चलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर और कोर्ट जो हैं, ये जो जजेस हैं, ये दलेर हो गए हैं, दलेर थे, इनको इंटिमिडेट किया हुआ था, मगर अब अपने डॉले जो हैं वो दिखाने लग गए हैं, लेवरेज अपनी और इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये पैनिक कर गए हैं और ये पैनिक मोड में चले गए हैं और उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है। तो अब उस हिसाब से इन्होंने न्यूक्लियर वेपन क्यों यूज किया है कि बैन ही कर दो पार्टी को। पाकिस्तान में चाहे फौज जीते या इमरान, तबाही तो तय ही है। मारा जाएगा वो आम पाकिस्तानी जिसके सिर पर इमरान या फौज में से किसी एक को चुनने की तलवार लटक रही है। वो चुने किसी को भी, तलवार उसके ही सिर पर गिरनी है।